2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी कैंपेन कर रही है। ऐसे में सभाएं और जन संबोधन के जरिए जनता से नए नए वादे किए जा रहे हैं। इन्हीं सब के बीच इंटरनेट का एक बड़ा कंज्यूमर होने के नाते हमारा देश और इसके लोग सोशल मीडिया यूज करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां भी अब टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर के साथ साथ जनता तक पहुंचने के लिए इंटरनेट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इसके लिए राजनीतिक पार्टियां बड़े पैमाने पर इंटरनेट माध्यम से प्रचार करने के लिए फंड का इस्तेमाल कर रही है और इसके लिए टारगेटेड विज्ञापनों का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे विज्ञापनों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सोशल मीडिया पर टारगेटेड विज्ञापन चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कितने रुपए खर्च किए, इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ऑल्ट न्यूज ने 19 मार्च 2024 को मेटा एड लाइब्रेरी से पिछले 90 दिनों के भीतर पॉलिटिकल एड चलाने के लिए सबसे ज्यादा खर्च करने वाले टॉप 100 पेजों का डेटा निकाला। हमने इस डेटा में से व्यक्तिगत रूप से नेताओं द्वारा चलाए गए विज्ञापन को हटा दिया है, लेकिन हमारी लिस्ट में राहुल गांधी का नाम इसलिए है क्योंकि उनके पेज द्वारा चलाए गए विज्ञापन के डिस्क्लेमर में कांग्रेस पार्टी लिखा है। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि राजनीतिक विज्ञापन चलाने वाले दो तरह के पेज होते हैं, एक तो राजनीतिक पार्टी का ऑफिशियल पेज और दूसरा वो पेज जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में पोस्ट करता रहता है। ऐसे पेज को हम प्रॉक्सी पेज कहेंगे। ऐसे प्रॉक्सी पेज द्वारा किया गया खर्च चुनाव आयोग द्वारा नहीं गिना जाता क्योंकि इनका और राजनीतिक पार्टी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि ऐसे पेज काम वही करते हैं जो ऑफिशियल पार्टी के पेज करते हैं। डेटा को खंगालने पर पता चला कि भाजपा ने अपने ऑफिशियल पेज से भी ज्यादा खर्च अपने प्रॉक्सी पेज पर चलाए गए विज्ञापनों पर किया है। भाजपा से जुड़े पेजों पर नजर डाले तो पता चलता है कि 90 दिनों के अंदर ऐसे भाजपा से जुड़े ऑफिशियल पेजों ने 10,000 के करीब विज्ञापन चलाए थे और इन पर 7 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया था। वहीं भाजपा का प्रचार करने वाले प्रॉक्सी पेजों ने 10,000 से ज्यादा विज्ञापन चलाते हुए इन पर 8 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों की लिस्ट देखें तो कांग्रेस पार्टी ने 614 विज्ञापन चलाए थे और इन पर 42 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। ऐसे ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 63 लाख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए विज्ञापन चलाने के लिए खर्च किए हैं। ऐसे ही केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकारों द्वारा मेटा पर कुल 1223 विज्ञापन चलाए गए हैं और इन पर 4 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया गया है। अब नजर करते हैं प्रॉक्सी पेज पर। ध्यान दें कि प्रॉक्सी पेज अक्सर व्यंग्य या विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं का मजाक उड़ाते हुए विज्ञापन चलाते हैं। इन पर सांप्रदायिक एंगल वाले विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं। ऑल्ट न्यूज ने इनमें से कुछ पेजों को एक्सपोज करते हुए ये रिपोर्ट भी पब्लिश की थी और बताया था कि कैसे सरकार का प्रचार करने वाले ऐसे पेजों का भाजपा से कनेक्शन है और इन पर विज्ञापन चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मेटा की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए और मेटा द्वारा इसे अनदेखा भी कर ऐसे ही एक पेज पर हत्या का वीडियो चलाया गया जिसे लाखों की संख्या में व्यूज मिले थे। प्रॉक्सी पेजों की पैटर्न देखने के लिए हमने इन पेजों को खंगाला तो हमें मालूम हुआ कि इनमें से कई पेज ऐसे हैं जिनका डिस्क्लेमर एक ही है। सोशल मीडिया और उस पर चलाए जाने वाले ऐसे विज्ञापन आज चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करते हैं। राजनीतिक पार्टियों द्वारा ऐसे प्रॉक्सी पेज पर विज्ञापन चलाकर राजनीतिक प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिनका हिसाब राजनीतिक पार्टियां रख रही है या नहीं, इस पर भी सवाल या निशान है।